गुण है तो वो गुरु है और चेहरे में हुनर है तो वो गुरु है। गोरखनाथ और उसका गुरु, इसको महान माना जाता है। गोरखनाथ को और उसके गुरु को, वो संदीपन, वो हाँ मच्छंदर, वो सिंगल दीप में चला गया था रानी के पीछे, गोरखनाथ गया उसको जगाने के लिए। तो वहां पर सैतान के गुरु गोरखनाथ है। इस गलतफहमी में मत रहना कि गुरु का मतलब है मुक्ति का दाता, गुरु का मतलब है सिद्धांत बताने वाला। अगर वो भी उस सिद्धांत पे नहीं चला तो उसका भी पतन निश्चित है, क्योंकि सिद्धांत सत्य है, सिद्धांत गुरु और चेला नहीं है। तो इसी को समझना है, हमारे जीवन में सत्य है तो सब कुछ बढ़िया है, हमारे जीवन में असत आ गया तो समझो मारे गए। का प्रचार नहीं करते हम, शरीरों का प्रचार नहीं करते हम, सिद्धांत का प्रचार करते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं। इसमें अगर गुरु गड़बड़ कर रहा है तो वो भी गलत है, और चेला गड़बड़ कर रहा है तो वो भी गलत है। यहां पर ये नहीं है कि गुरु जी गलत कर रहे हैं, चलो ठीक है मेरा पक्ष है कि मैं गुरु के पीछे पीछे रहूं। फिर तो कबीर साहब तो मूर्तियां पूज रहे होते। कबीर साहब के गुरु क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। अब कबीर साहब कहते अरे यार मैंने तो ये गुरु बना लिया, अब मैं तो वही करूंगा जो गुरु करेगा, वरना मैं गुरुद्रोही ना हो जाऊं। तो फिर मिल चुकी थी मुक्ति सबको। अर्जुन और द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु चेला थे। किसने सिखाया सारा ज्ञान अर्जुन को? गुरु ने सिखाया। लेकिन जब महाभारत हुई तो आमने सामने आ गए, तो गुरुद्रोही हुआ कि नहीं हुआ? अर्जुन पांडव गुरुद्रोही हुए कि नहीं हुए? हो गए, हो गए। क्या बात है! अरे तुम दोनों के पास ऑप्शन थी कि सत्य के साथ लड़ना है कि असत्य के साथ। पांचों पांडवों ने सत्य के साथ लड़ना स्वीकार कर लिया, और द्रोणाचार्य ने, कर्ण ने, भीष्म पितामह ने असत्य के साथ। तो सिद्धांत सत्य का है कि असत्य का? तो मरेगा कौन? द्रोणाचार्य ही मरेगा, गुरु ही मरेगा और चेला ही मरेगा। लेकिन गुरु चेला सांसारिक रिश्ता है, आध्यात्मिक रिश्ता सत्य और असत्य का है। अगर असत्य की बात कर रहे हो तो तुम मेरे गुरु ने, मैं तेरा चेला नहीं। आ जाओ फिर देखी जाएगी, फिर गुरु चेले वाला कोई विरोध नहीं रह जाता कि नहीं कि ये तो गुरु के खिलाफ बोल रहा है। भैया सत्य बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा सत्य है तुम रखो, क्योंकि सत्य तो एक है। और अगर गुरु चेले दोनों सत्य पे हैं फिर क्या बात है, फिर दोनों जाओ, दोनों की मुक्ति हो जाएगी। तो लोग अभी तक यही नहीं समझ पा रहे हैं कि गुरु होता क्या है। गुरु सिद्धांत होता है, जिसको गुरु से गुर भी बोला जाता है। गुर, गुर क्या होता है? हुनर। अरे बड़ा गुर है इसमें भाई, हुनर ही सिद्धांत।